पर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम गौड़िये गजेंद्र गौड़िये मठ मंदिर पे सेक्टर 20 में खड़े हुए हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूज्य पाद विष्णु महाराज जी को अध्यक्ष चुना गया है। आज उनकी प्रेस वार्ता जिसमें उन्होंने लाइव जो है प्रेस को संबोधित किया, मगर हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि उनकी ये जर्नी अब तक बचपन से लेकर अभी तक कैसी है। महाराज जी आपका अस्पताल में बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा एक हम लोग अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आपने सुना है कि आपने आज से कोई 40 वर्ष पहले चंडीगढ़ में आपने एक नौकरी की तलाश में आए थे, जिसमें आपको ये मंदिर या मंदिर के ये लोग रीति रिवाज है उसने भाई की आपने घर पर वापस कर दिया। आप किसके बारे में बताइए? हाँ, उस समय मैं सोच रहा था कि मैं कोई जॉब करूं ताकि मैं माता पिता के उसको डिपेंडेंट ना रहूं, कोई जॉब करूं और आगे स्टडी को करनी भी होती। लेकिन जब मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में आया, यहाँ पर स्वामी निष्किंचन महाराज जी, उन समय बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने जब मुझे संस्कृति के बारे में और संस्कृति के विचार के बारे में अच्छा लगा। उसके बाद मैंने एक महीना टाइम अपने आप को सोचने के लिए लिया कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, और मैं फाइनल ये डिसीजन लिया कि देश के लिए समाज के लिए अगर कुछ कर सकने का टाइम है, मौका है, तो इसमें है, नहीं तो मैं ऐसे फंस जाऊंगा जैसे और मेरे भाई फंसे, मैं भी ऐसे फंस जाऊंगा और वहीं पर ख़त्म हो जाऊंगा। तो मैं 1982 में मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी और तब से मैं लगातार सनातन धर्म के प्रचार में हूँ। मैं भारत के अलावा यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, यूक्रेन प्रचार में जाता हूँ, और आज हमारे गौड़िये मठ की तरफ से बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। हम तो जो हमारे भारत के लोग तो जो प्रचार कर रहे हैं, हमारे जो विदेशी लोग हैं हमसे ज़्यादा उत्साह के साथ, जैसे महाराज जी हैं जर्मनी में प्रचार कर रहे हैं, ये माधव कृष्ण जी अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे अपनी ज़िंदगी को जब सोचता हूँ तो ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक जगह पे मैंने आया हूँ और अपनी लाइफ से 110% से। ये भी हमारे सनातन धर्म का हिस्सा, बस अध्यात्म उसमें मुख्य होना चाहिए, वो मुख्य नहीं, बस इतनी कभी बात नहीं।